लग गए क्या मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, पूरा टच कर रही हूं, ऊपर पसीना पसीना हो गया देखो। गाइस ऊपर आए, मम्मी आज थोड़ी देर पहले आ गई थी क्योंकि ब्रूनो थक गया था, तो मम्मी ने यहाँ पे सारे ये सब फोल्ड वोल्ड सब कर दिए हैं और फिर सुबह का, बट आज मम्मी ने पहले ही राजमा रख दिए हैं, चावल भी रख दिए हैं, मेरा काम आसान कर दिया है, आज मेरा काम आसान कर दिया आपने। कुछ कहना चाहोगे? आपको हमें सुबह उठा के कितना अच्छा लगता है? मेरे को अच्छा नहीं लगता है। कितना? बहुत, दिल में इतना खुशी होती है, खुशी। और आपको कैसा लगता है उठ के? अभी से क्या कह रहे हैं सुबह, कल संडे है, क्या कह रहे हैं? कल संडे है, मम्मी मत उठाना बहुत। मैं नहीं उठूंगा बिल्कुल भी। क्यों, ब्रूनो कौन घुमाएगा? तुम लोग। पापा ब्रूनो तो हमें खींच रहे हैं, छह दिन लगातार उठ के मेरी हालत खराब है। क्यों, तभी तो वेट कम होगा। मुझे तो आते ही भूख लगी है, तो मैंने रात का हलवा और पूरी खा ली है और अभी नाश्ते में बन रहे हैं आलू के पराठे और वही राजमा को मैंने ग्रेवी तैयार करके फ्राई कर दिए थे, तो गर्मा गर्म राजमा बन रही है लंच के लिए। कमान। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और आज हम लोग वॉक पे नहीं गए थे क्योंकि मैं रूम पे एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे लगा कि डक वॉक करने से और अच्छा होगा, तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च के कोफ्ते, नहीं भरवा शिमला मिर्च। तो उसके लिए मैंने क्या क्या तैयारी कर दी है मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आलू बॉइल कर दिए हैं, प्याज को फ्राई किया है, फिर उसमें आलू डाल दिया है, अब उसमें डाल दूंगी मैं हल्के हल्के मसाले, इसका मतलब शिमला मिर्च भरवा शिमला मिर्च के लिए, उसको भरने के लिए। यहाँ पे मैंने ये कट कर दिया है, शिमला मिर्च कट कर दिया, मतलब उसकी ऊपर का पार्ट निकाल दिया ये, और तो मैंने कट भी किया, अब देखो पता नहीं फूटेगा, ये देखो फिर शिमला मिर्च के अंदर ये स्टफिंग भर दी है। तो गाइस ये देखो ये सब ये हो गए हैं, मतलब इनको मैंने थोड़ा तेल में रोस्ट कर दिया है, मसाले टमाटर, तो अब इसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो ये हो गई है ग्रेवी तैयार, थोड़ी देर भरवा शिमला मिर्च बन गई है। अभी बज रहे हैं रात के 9:30, हमने थोड़ा लेट खा रहे क्योंकि भूख भी कम लग रही है और ये लेट आए थे 8:30 के अप्रोक्स आए थे बैंक से, इनको मैंने लेमन वाटर दिया और साथ में उन्होंने कुरकुरे खा लिए थे और साथ में मैच देख रहे थे। और अभी हम लोग थोड़ी देर अपना ब्लॉग देखेंगे जो कि आप लोग भी देखना, अगर नहीं देखा है तो हमारा लास्ट ब्लॉग जरूर देखना। और तीसरी बात ये आज मैंने बनाया है भरवा शिमला मिर्च, तो मैं आपको दिखाती हूँ शक्ल। मम्मी पानी लेके आ गई है, मैंने खाना सर्व कर दिया है, ये है भरवा शिमला मिर्च, ये है सैलेड, इसमें है रोटी, ये दही नहीं खाता है तो वहाँ पे दही रखे हैं। मैं मेरी प्लेट तो मैं लाई हूँ, मैं लेके आती हूँ, सांस और बहुमा हो गई है, लड़ाई मेरे को क्यों पाले दे, सासु को मार दे, ऐसा कलयुग है, घोर कलयुग ना, एक कलयुग तो ही कहे कलयुग, तू लड़ाई क्यों कर रहा यार? अरे ये कर ना कभी, अब मान लो तुम्हारी लड़ाई हो गई तभी मैं किसको मनाऊंगा? किसको नहीं आप मनाना है मम्मी, किसको मनाऊंगा मैं? मेरे को मनाना, वो बुरा मान जाएगी, तो बुरा मानेगी तो थोड़ा नमक डालेगी वो, ये क्या कर रहा है बेटा, ये मुगानी जा रहा है, क्या कर रहा है बेटा, हेल्प कर रहा है मम्मी की। आगे क्या बनाया है तूने? आज मैंने भरवा शिमला मिर्च बनाया, आप देखो टेस्ट करके बताना कैसा लगा, ठीक है? और आज है जबरदस्त मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके, और आपको पता है कितना क्रिटिकल मैच है, मैं तो अभी इस समय सपोर्ट कर रहा हूँ
आरसीबी को और होप आरसीबी जीत जाए। और गाइस मम्मी को क्रिकेट तो पसंद है बट इसमें समझ नहीं आता आईपीएल में कि क्या चलता है। क्या क्रिकेट पसंद है? छक्का मारते हैं। आपको सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा लगता है? मेरे को उसको लगता है धोनी। हर कोई गाइस हर कोई धोनी का मतलब फैन है बड़ा वाला। चलो धोनी के नाम पे फिर एक वो कर दो चाह का पूड़ी। चाह को पूड़ी या चाह को पूड़ी दगड़ा जवान भाइयों भूखिया पापा दगड़ा पूड़ी। तो गाइस इसका मतलब ये है कि चाह का पूड़ी मतलब चाय की जो पुड़िया होती है ना उसको मम्मी कह रही है कि चाय की पुड़िया चाय की पत्ती जिसकी जो पुड़िया में है वो साथ में हम लोग जवान हुए और साथ में बूढ़ी मतलब साथ में जवान हुए साथ में बुढ़िया मतलब बूढ़े हुए। अपने गुरु ने भी समझता है उसको ना हर चीज पता है। टीवी देख रहा है ये भी धोनी का फैन है। ऐसे बोला है मम्मी कल संडे है कल मेरे को मत उठाना और ब्रूनो मम्मी एक दिन का संडे आता है मेरे को मत उठाना और मैं सोए रहेंगी क्या उठो पेट कम होगा पापा देखते रहते हैं आपके ब्लड। गाइस इनको देख लो जरा अब इनके ये इनका हर रोज का शाम का क्या हो रहा है आइसक्रीम खाओ अच्छा, फिर सो जाओ फिर मत अच्छा, ये देखो मैं नहीं खा रही हूँ एक मम्मी अपने लिए और एक ये खुद के लिए मम्मी आपको दीक्षा को लाओ नहीं बिल्कुल दीक्षा को नहीं देना है ना ठंडा बहू को भूल गए लो बताओ। गाइस कम से कम आइसक्रीम देखो आइसक्रीम ये रात को 3 बजे उठ के खाएगी इसको चढ़ाओ जरा दिक्को खाएगी रात को 3 बजे उठ के खा लेती हूँ ब्रूनो देख कैसा करता है तो छीन ले ये रात में हम सो जाते हैं चाट रहा है रात में जाते हैं ये सो जाते हैं। गाइज हमारे घर पे पता क्या होता है ये दीक्षा ना रात में चोरी करती है जब हम लोग चलो गाइज आइसक्रीम खाते हैं आप लोग भी इंजॉय करिए। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 10 और ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में उसी एनर्जी के साथ तब तक के लिए बाय हर हर महादेव।